अभी हम पटना के कृष्णा घाट में हैं और आपको अपडेट देने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट कितना बना है, क्या स्थिति है, कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। आज की तस्वीर में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। कृष्णा घाट के पास की जो तस्वीर आज हमने शाम के करीब 5 बजे ली है और काफ़ी सुंदर लगा है। ये बोर्ड पे कृष्णा घाट का इतिहास आपको हिंदी में और दूसरे बोर्ड में अंग्रेजी में दिखेगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी का ये बोर्ड जिसमें इतिहास लिखा हुआ है कृष्णा घाट के बारे में बताया गया है इस बोर्ड में, वही है जो कृष्णा घाट का अतीत है। नमामि गंगे और बापू झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए और उनका चश्मा, ये कृष्णा घाट की तस्वीर मधुबनी पेंटिंग से सजी हुई और ये शानदार लुक और घाट पर लोगों की भीड़। कई में लगता है कि ये रिवर फ्रंट कारगर साबित हुआ है। ये देख सकते हैं लहरों का, गंगा की लहरों का आनंद लेने के लिए कृष्णा घाट पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और सब ने अपना अपना एक स्थान चुना है। कोई पानी में जो बना है वहाँ पर खड़े हैं और ये मिथिला पेंटिंग से सजा कृष्णा घाट और जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया है वो बोर्ड, और इधर ये पथ और इधर गंगा एक्सप्रेसवे का लॉन्चर पाया और क्या कितना काम हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे के पाया पर, इन दोनों पाया पर मुझे काम होता हुआ दिखा है। लोग कुछ न कुछ कर रहे थे और ये बैरियर जो डूब गया पानी में। जब मैंने अपडेट दिया था गंगा एक्सप्रेसवे का तो ये स्थिति नहीं थी, पानी नहीं था, और सामने आप महात्मा गांधी सेतु देख रहे हैं जिसका मैं अपडेट देता रहता हूँ वो है। और ये गंगा की लहरों और पाया नंबर 51 जो अभी फिलहाल बनकर तैयार है, इस पर अभी सेगमेंट लॉन्च होना बाकी है। ये हम 52, 53, 54 इस तरह बढ़ रहे हैं और सामने सेतु का दिख रहा है। काफ़ी भव्य था और जिस प्रकार कृष्णा घाट पर मौजूद थे हम भी देखकर दंग रहे और काफ़ी भीड़ इस घाट पर देखने को मिली। सफाई भी काफ़ी अच्छा, सफाई कर्मी भी मौजूद थे, सकते हैं वहाँ पे नाव लगा हुआ है और पाया देख सकते हैं, वहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा सा, और ऊपर में पियर के कैप पे काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा की लहरें और सामने दीघा सोनपुर ब्रिज भी दिख रहा है। इधर दीघा सोनपुर ब्रिज और इधर आपको दिखेगा ये महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। रोशनी में ग्लेयर काफ़ी अच्छा निकल कर के आ रहा है सेतु के गंगा पथ के ऊपर से, ये सूर्य की रोशनी पानी पे जो आ रही है काफ़ी सुंदर लग रहा है ये दृश्य, और सूर्य का आकार भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है लॉन्चर के पीछे। अगर देखा जाए तो जितना मैंने पिछले बार अपडेट दिया था जो सेगमेंट लॉन्चिंग का काम जहां तक हुआ था वहीं तक हमें दिखा और पायों पर थोड़ा बहुत काम होता दिख रहा है। काम क्यों स्लो हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मॉनसून इसकी वजह है तो मॉनसून की व्यवस्था इन्हें करनी चाहिए, समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय भारत, जय बिहार।